हेलो क्लास। तो आज की क्लास में जो है हम जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है ए लाइन फ्रॉक की ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ए लाइन फ्रॉक की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं जो है ड्राफ्टिंग करने जा रही हूँ वो कर रही हूँ, मैं फ्रंट की जो ड्राफ्टिंग है सबसे पहले करने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट है, बेसिक ब्लॉक जो है फ्रंट का, उसको हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है, ये हमारी जो नेक लाइन है एंड ये स्लीव है, तो जहाँ से हमारा जो फैब्रिक है वो जो हमारी सेंटर फ्रंट लाइन जो ऑन ग्रीन हम जिसको ऑन फोल्ड जो है फैब्रिक पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारी जो सेंटर फ्रंट लाइन है उस साइड से हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्राउन सीट है, ब्राउन साइड, ब्राउन सीट की रफ साइड में हमें हमेशा क्या करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, जो भी हमारी ड्राफ्टिंग है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैं मेरा बेसिक फ्रंट बेसिक ब्लॉक जो है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये मेरा है फ्रंट, तो और यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, सेंट्रल फ्रंट लाइन। तो इसके बाद क्या करना है कि हमारा जो बेसिक ब्लॉक था जो उसकी लेंथ थी उसको जो है सबसे पहले हमें जो हमारे बेसिक ब्लॉक की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 23 सेंटीमीटर थी। अब इसको 23 सेंटीमीटर जो लेंथ, तो हमारा जो बेसिक ब्लॉक जो है ड्रॉ हो चुका है और हमें जो है इसको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगी ए, जहाँ पर हमारे जो शोल्डर्स जो एरिया है, जहाँ पे हमारा ये है शोल्डर, इसको हम जो है स्ट्रेट जो है इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। एंड जो शोल्डर है जहाँ पे और जो नेक लाइन जो हमारी है, जो दोनों पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं, तो वहाँ से पहले क्या हमारा जो बेसिक ब्लॉक है उसकी लेंथ कितनी है, 23 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया 23 सेंटीमीटर। एंड इसको अब हम जो ए लाइन फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं, तो हमारी लेंथ को हमें 23 से 40 सेंटीमीटर तक हमें क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। तो 23 से हम उसको 40 सेंटीमीटर करेंगे, तो 23 में हम 17 ऐड करेंगे, तो हमारी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में 23 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करती हूँ, देन इसको 17 सेंटीमीटर नीचे इंक्रीज करूँगा। तो ये हमारी अब हो गई है इंक्रीज होके 40 सेंटीमीटर, और इसको हमें जो है पॉइंट देना है बी, और इसको हम जो है अब जो, और इधर जो हमारा जहाँ पे शोल्डर जो है, आर्म होल जो एरिया है, तो उसको जो है उसका जो आर्म होल एरिया का जो लोअर जो साइड है वहाँ पे हम पॉइंट मार्क करेंगे सी, एंड सी को भी इक्वली जो है नीचे मैं इंक्रीज करूँगी। इसको भी 17 सेंटीमीटर तक इंक्रीज कर दिया है, और अब जो है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके
हम जो है मैच कर देंगे बी को, और यहाँ पे जो है लास्ट में जो है सी को जो है हमने नीचे को जो है डाउन साइड में इंक्रीज किया, वहाँ पे हम जो है पॉइंट मार्क करेंगे डी। एंड अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें यूज करना है वो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हो गया ए, एंड ए से हमने जो है 40 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क करके उसको हमने इंक्रीज किया, वहाँ पे हमने पॉइंट मार्क किया है बी, एंड सी को इंक्रीज किया है नीचे की साइड और वहाँ पे जो है पॉइंट हमने मार्क किया है डी। और अब डी से हमें क्या करना है, ई जो है एक पॉइंट हमें मार्क करना है, तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको हम जो है क्या करेंगे डी से ई तक 8 सेंटीमीटर हम उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने जो है लेफ्ट साइड में उसको हमने इंक्रीज कर दिया है और वहाँ पे हमें जो पॉइंट मार्क करना है वो है ई। अब हमें क्या करना है कि जो हमने आर्म होल में लोअर साइड में जो पॉइंट मार्क किया था सी, एंड जो हमारा डी को हमने जो लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टली जो इंक्रीज किया है वो जो है उन दोनों को हम सी से ई को हम क्या करेंगे डायगनली जो है एक दूसरे से मिला देंगे। तो इसको मैंने मिला दिया है और ये जो है अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो ई पॉइंट है ई से जो है हम पॉइंट मार्क करेंगे अपर साइड में, और ये जो हमारा पॉइंट जो होगा ई से अपर साइड में ये हमारा 1 सेंटीमीटर तक हम जो है इसको कर्व देने के लिए अपर साइड में क्या करेंगे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमने जो पॉइंट मार्क करना है वो है जी, और इसको जी को डी से हमें स्लाइटली कर्व के साथ मैच कर देना है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है जो बनकर तैयार हुई है ए लाइन क्रॉप का, ये है ए लाइन फ्रॉक। और इस ड्राफ्टिंग को हमें जो है यूज करना है ऑन फोल्ड, तो हमारे जो है हम सेंटर फ्रंट लाइन भी ड्रॉ करते हैं। ये हमारी जो है लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सेंटर फ्रंट लाइन, सेंटर फ्रंट लाइन। और अब हम जो है इस ड्राफ्टिंग को कट कर लेंगे, तो जो हमारी नेक लाइन है उसको भी हम जो है प्रॉपर कर्व दे देंगे, और इस कर्व से होते हुए देन ये हमारी शोल्डर लाइन है, ये हमारा जो है आर्म होल है, एंड ये हमारी जो है साइड जो सीम है वो हमारी यहाँ पे आएगी, देन हमारी जी से जो कर्व हमने दिया उस कर्व से होते हुए डी एंड बी से हम इसको कट कर देंगे।